कहीं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइज, इस वीडियो के अंदर हम 5 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर यूएस स्टॉक्स और इंडियन स्टॉक्स को कंपेयर करने वाले हैं, और जिस पैरामीटर में जो भी स्टॉक्स, जो भी कैटेगरी अच्छी होगी उसको हम एक पॉइंट देंगे। इस पॉइंट के बेसिस पर हमारे पास फाइनली एक स्कोर बनकर के आएगा, उस स्कोर के बेसिस पर हम बोलेंगे कि यूएस स्टॉक्स अच्छे हैं या इंडियन स्टॉक्स अच्छे हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पैरामीटर के बारे में, जो कि है यहां पर चार्जेस का। क्योंकि आप जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसके अलावा रेगुलेटरी चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, जो कि सेबी के होते हैं, डिपॉजिटरी के होते हैं, एक्सचेंजेस के होते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह, इस तरीके के चार्जेस आपको इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते टाइम तो पे करने ही पड़ते हैं। लेकिन जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहां पर आपके चार्जेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं आपको पे तो करने पड़ते ही हैं। रेगुलेटरी चार्जेस, यूएस गवर्नमेंट को रेगुलेटरी चार्ज पे करना पड़ेगा, इसके अलावा ब्रोकरेज चार्ज आपको पे करना पड़ेगा जो भी ब्रोकर होगा उसको, इसके अलावा आपको यहां पर करेंसी एक्सचेंज के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। इसको थोड़ा सा केयरफुली समझिए। देखिए, आपके पास आपके वॉलेट में या डीमैट अकाउंट में होते हैं पैसे, रुपीज होते हैं, INR की फॉर्म में रुपीज होते हैं हमारे पास। लेकिन जब हम यूएस स्टॉक्स को खरीदते हैं तो रुपीज से हम उनको नहीं खरीद सकते, हम उन्हें डॉलर से खरीद सकते हैं। तो पहले आपको आपके INR को डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और उस डॉलर से आप उस यूएस स्टॉक्स को खरीद पाएंगे, और जब आप उस यूएस स्टॉक को बेचेंगे तो आपको डॉलर्स मिलेंगे अगेन, और उस डॉलर्स को जब आप बेचेंगे तो आपको यहां पर रुपी मिलेगा। तो यानी कि ये काफी लंबा साइकिल हो जाता है, और इस लंबे साइकिल के दौरान कई सारे नए पार्टिसिपेंट्स ऐड हो जाते हैं, जो भी अपना अपना कमीशन, अपनी अपनी ब्रोकरेज फीस लेते हैं। इसकी वजह से आपके जो ओवरऑल चार्जेस हैं वो करीब करीब 1.5 से 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू लग जाते हैं इस पूरी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग में ज्यादा लगते हैं, इंडियन स्टॉक इन्वेस्टिंग में चार्जेस कम लगते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट चला जाएगा वो चला जाएगा इंडियन स्टॉक्स को, क्योंकि इनमें चार्जेस कम लगते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पैरामीटर के बारे में, जो कि है हमारा प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी का। इसके बाद हम रिस्क के बारे में भी जानेंगे कि कहां पर ज्यादा रिस्क है, इसके बाद हम रिटर्न के बारे में भी जानेंगे, और फाइनली हम वैल्यूएशन के बारे में भी बात करेंगे कि यूएस स्टॉक सस्ते हैं या इंडियन स्टॉक सस्ते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया कि यहां पर जब आप यूएस स्टॉक्स को खरीदते हैं तो पैसे से डॉलर, डॉलर से स्टॉक, और फिर स्टॉक्स को बेचने पर डॉलर, और फिर पैसे, इस तरीके से एक लंबा प्रोसेस होता है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का। तो उसकी वजह से यहां पर जो प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यूएस स्टॉक्स में ज्यादा होती है। तो अगेन एक पॉइंट चल जाता है इंडियन स्टॉक्स को, क्योंकि इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस जो है वो आपको इंडिया के अंदर इजी होता है, इंडिया के अंदर आप आसानी से इंडियन स्टॉक्स खरीद सकते हैं। यूएस स्टॉक्स खरीदने का प्रोसेस भी पहले के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम के कंपैरिजन में अब काफी इजी हो गया है। कई ब्रोकर्स ऐसे भी आ गए हैं जो आपसे ब्रोकरेजेस भी कम लेते हैं या जीरो लेते हैं, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी चीजें आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। अभी भी ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर जो स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं उसमें भी इन कंपैरिजन टू इंडिया काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर इंडियन स्टॉक्स को और चला गया है, इंडियन स्टॉक्स का स्कोर हो गया है 2 पर, और यूएस स्टॉक्स अभी 0 पर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पैरामीटर के ऊपर, जिसके ऊपर हम कंपेयर करने वाले हैं, वो है रिस्क का। तो देखिए गाइस, रिस्क जो है वो यूएस स्टॉक्स में अगेन ज्यादा है, यूएस स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा है, और वो इसलिए है क्योंकि हम ना तो यूएस की कंट्री की जो लोग हैं वहां के, जो वहां की पॉपुलेशन है, हम उनके इंटरेस्ट को नहीं समझते हैं, हम उनकी प्रायोरिटीज को नहीं समझते हैं, हमें नहीं पता है कि वो किन चीजों का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, ना ही हम वहां के मार्केट को समझते हैं, ना ही हम वहां की इंडस्ट्रीज को समझते हैं कि वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर क्या चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं, वहां की ज्योग्राफी को हम नहीं समझते हैं। इसके अलावा जो न्यूज और जिन न्यूज से और जिन अपडेट से हम इंडिया के अंदर ज्यादा अच्छे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उन न्यूज तक हमें पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उतनी जल्दी हमें अपडेट्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो यूएस के अंदर जो न्यूज चल रही होती है तो यूएस के लोगों को ज्यादा जल्दी पता चलती है, हमें उतनी आसानी से पता नहीं चलता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तेजी से सारी चीजें हमको भी पता चल जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं है गाइस, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि आप किसी कंपनी के, यूएस की किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज कर पाए। क्या आप यूएस की कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल सुन सकते हैं इतना आसानी से जितना इंडिया के सुन सकते हो? अभी तो इनफैक्ट इंडिया की सारी कंपनीज के कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी आपको उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते। तो यूएस के सारी कंपनीज के कॉन्फ्रेंस कॉल सुनना, उनके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना, और उन कंपनीज के बारे में दूसरे, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो इंडिया से अलग होते हैं, उनकी कंप्लायंसेस अलग तरीके की होती है। तो इस तरीके से यूएस स्टॉक्स
में अगर आप एक अच्छा तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फंडामेंटल्स को समझ करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो काफी ज्यादा अलग मेहनत करनी पड़ेगी आपको इंडियन स्टॉक्स के कंपैरिजन में। तो इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि हमें वहां की समझ कम है, हमारा रिस्क जो है वो थोड़ा सा यूएस स्टॉक्स में बढ़ जाता है। तो यहां पर अगेन एक पॉइंट आ जाता है इंडियन स्टॉक्स को, इंडियन स्टॉक्स का स्कोर हो गया है 3 का और यूएस स्टॉक्स का भी जो स्कोर है वो 0 पर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे पैरामीटर की, जो कि है रिटर्न का पैरामीटर। तो गाइस रिटर्न के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले ये एक मैं स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों का यहाँ पर डेटा दिखा रखा है, पिछले 10 सालों का रिटर्न दिखा रखा है। इसमें से अगर आप देखें तो 10 में से 6 साल के अंदर यूएस स्टॉक्स ने, यानी कि यूएस की जो इंडेक्स है डाउ जोन्स, उसने इंडिया के जो इंडिया की इंडेक्स है उसको बीट किया है। पिछले 10 में से 6 बार यूएस मार्केट ने अच्छे रिटर्न दिए हैं इंडिया के इंडेक्स के कंपेरिजन में। तो जैसे इंडिया के अंदर निफ्टी और सेंसेक्स दो इंडेक्स है, वैसे ही यूएस मार्केट के अंदर दो इंडेक्स है, डाउ जोन्स और S&P 500। और जैसे इंडिया के अंदर दो एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही जो यूएस के अंदर एक्सचेंजेस हैं वो है नैसडैक और NYSE, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। नैसडैक जो है उसमें यूएस के अलावा भी विदेशों की कई सारी कंपनीज लिस्टेड है, जैसे कुछ इंडिया की कंपनीज भी प्लान कर रही है, इसके अलावा चाइना की, जर्मनी की, जापान की, हांगकांग, सिंगापुर की, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज भी नैसडैक के अंदर लिस्टेड है। इसकी वजह से नैसडैक या जो डाउ जोन्स का जो आप कहेंगे, डाउ जोन्स का जो रिटर्न है वो पिछले 10 में से 6 सालों में इंडिया के कंपैरिजन में अच्छा रहा है। और इसके अलावा यूएस इंडेक्स का रिटर्न इसलिए भी अच्छा हो जाता है इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जो डॉलर का प्राइस है वो भी लगातार इंडियन रुपी के कंपैरिजन में बढ़ रहा है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे एक डॉलर की कीमत 1 रुपये के बराबर थी, लेकिन वही आज आपके सामने है 82 रुपये में आपको 1 डॉलर मिलता है। तो जिस बंदे ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी होती, 1 रुपया डाला होता यूएस स्टॉक्स के अंदर, उसका 82 गुना तो ऐसा ही हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपने पिछले 10 साल पहले भी पैसा डाला होता तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ डॉलर के ऊपर ही रिटर्न बन जाता है। तो इस तरीके से रिटर्न Obviously, आपको यहां पर यूएस स्टॉक्स में ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहां पर रिस्क भी ज्यादा है, यहां पर मेहनत भी ज्यादा है, सब चीजें ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न भी यूएस स्टॉक्स में ज्यादा मिलेगा। तो एक यहां पर पॉइंट जो है वो यूएस स्टॉक्स को चला गया है, यूएस स्टॉक्स का स्कोर हो गया है 1 का, इंडियन स्टॉक्स का स्कोर जो है वो 3 पर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है यहां पर कवर करने के लिए। उससे पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी है या नहीं करी है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आपके साथ शेयर करता हूं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि वैल्यूएशन का पॉइंट है। तो गाइस देखिए, अभी फिलहाल जो निफ्टी का वैल्यूएशन चल रहा है, निफ्टी का जो पीई रेशियो चल रहा है वो करीब करीब 20 के आसपास है। एग्जैक्टली बताऊं तो 21 का पीई रेशियो है निफ्टी का। वहीं अगर बात करें यूएस डाउ जोन्स के पीई रेशियो की, तो वो है 12.13 का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स का जो पी रेशियो है 12.13 काफी कम है इंडिया के 21 निफ्टी के पी रेशियो के कंपैरिजन में। अब इसका रीजन ये नहीं है कि यूएस की कंपनी सस्ती है तो यूएस की कंपनी में जाकर के सीधे टूट पड़ो, ऐसा नहीं है। यहां पर जो पी रेशियो है वो इंडिया की कंपनीज को ज्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि इंडिया में GDP की ग्रोथ बहुत तेज है, जबकि यूएस में GDP की ग्रोथ उतनी ज्यादा तेज नहीं है। कहने का मतलब है इंडिया की जो टॉप कंपनीज है, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है, उनमें ग्रोथ होने के चांसेस यूएस की टॉप कंपनी से काफी ज्यादा है। तो ये बात हो गई इंडिया के वैल्यूएशन को जो जस्टिफाई करती है, ज्यादा वैल्यूएशन जो है इंडिया का उसका। अब यहां पर जो पॉइंट है वो अगेन चला जाता है यूएस स्टॉक्स को, क्योंकि यूएस स्टॉक्स सस्ते हैं, तो यूएस स्टॉक्स का स्कोर जो है वो हो गया है 2 का और इंडियन स्टॉक्स का जो स्कोर है वो 3 का बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया ही है, तो आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए। अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कई सारे म्यूचुअल फंड भी ऐसे हैं जो आपको यूएस में इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी, मतलब उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएस की कंपनीज में है, तो आप म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आप यूएस मार्केट में भी पैसा डालना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स खरीदिए जो यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, तो मैं आपको कुछ सेक्टर्स भी बता देता हूं कि यूएस स्टॉक्स में किन सेक्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि टेक सेक्टर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वहां की जो टेक कंपनीज है, गूगल है, फेसबुक है, इसके अलावा और भी कई जो कंपनीज है, अमेजोन वगैरह, ये सब बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा एक सेक्टर जो आपने नहीं सुना होगा कहीं भी, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। यूएस का हेल्थ केयर सेक्टर भी काफी स्ट्रांग है,
यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो काफी अच्छा रिटर्न देती हैं यूएस की हेल्थ केयर कंपनीज या फार्मा कंपनीज। इसके अलावा यूएस में कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी आइटम्स की भी काफी ज्यादा डिमांड है और ये कंपनीज भी वहां पर काफी ग्रो करती है, जैसे कि जो लग्जरी गुड्स हैं, गैजेट्स हैं या कॉस्मेटिक्स हैं, पर्स हैं, मोबाइल्स हैं, इस तरीके के जो आइटम्स हैं, जो डिस्क्रेशनरी आइटम या क्लोथ्स हैं, तो वो जो डिस्क्रेशनरी आइटम्स हैं वो भी यूएस में काफी ज्यादा चलते हैं, इनके स्टॉक्स भी काफी अच्छा रिटर्न देते हैं। अब यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने आपको ये रास्ता तो बता दिया, आपको करना कैसे है। अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स और एंजल वन, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इन दोनों के ऐप्स का यूज करके आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप यहां से यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इन दोनों में से, अपस्टॉक्स और एंजल वन में से, कौन से ब्रोकर के पास आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं उसका कमेंट में बता दो मुझे, उसके ऊपर मैं वीडियो बना करके लेकर के आऊंगा और मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। अपस्टॉक्स का यूज करके अगर करवाना चाहते हैं आप तो अपस्टॉक्स यूएस लिख दीजिएगा, और अगर आप एंजल वन में के थ्रू जाना चाहते हैं तो यूएस एंजल वन लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक वीडियो भी लेकर के आ जाऊं। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाकर के ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहां पर मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आपके साथ शेयर करता हूं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।